बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे प्राप्त तो होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही है अहिल्या बाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें। अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे, उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि यह तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो, हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते,
जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना, और उनका स्पर्श कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी। किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने दो जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने, एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दो जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार है, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा, ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का